दिल्ली में एक होटल है अशोक नाम से, आपने भी सुना होगा इसका नाम। ये होटल दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच है, करीब 25 एकड़ में बना हुआ है, दिल्ली की शान है। लेकिन सरकार इस दिल्ली की शान को बेचना चाह रही है, या यूं कहिए गिरवी रखना चाह रही है, प्राइवेट हाथों में सौंपना चाह रही है। बीते समय में आपने भी इस होटल की काफी खबरें सुनी होगी। आज फिर एक खबर इस होटल को लेकर सामने आई है। क्या है खबर, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल सरकार ने इस होटल का एक सांकेतिक मूल्य तय कर लिया है, जो कि करीब 7,409 करोड़ रुपए बैठता है। आपको बता दें, राष्ट्रीय मौद्रीकरण कार्यक्रम यानी नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत इस होटल को प्राइवेट हाथों में सौंपने की योजना पर काम चल रहा है। राष्ट्रीय मौद्रीकरण से मतलब है देश में सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स को गिरवी रखकर पैसा इकट्ठा करना, जिसमें रोड, रेलवे और एनर्जी सेक्टर सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस असेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत भूमि को बेचना शामिल नहीं है इसमें, यानी असेट की ओनरशिप सरकार के पास ही रहेगी। आपको बता दें, अगस्त 2021 में इस असेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ऐलान किया गया था। नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत 2022 से 25 के बीच यानी 4 साल की इस अवधि में केंद्र सरकार इन असेट्स के जरिए 6,00,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान बना रही है। इस साल की अवधि में यानी साल 2022 से 23 की अवधि में 33,422 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण किया जा चुका है। वहीं 2021-22 में यानी इस प्रोग्राम के पहले साल में 88,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर लिया गया था। इसमें कोयला मंत्रालय 17,000 करोड़ रुपए जुटाकर सूची में सबसे आगे रहा। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है, क्या जरूरत है इन संपत्तियों को किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ गिरवी रखने की, तो इसका जवाब काफी सीधा सा है। जब कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी इसे अपने हाथ में लेगी तो बदले में सरकार को मोटा पैसा देगी, और जाहिर है जब इतना मोटा पैसा वो इसके बदले में देगी तो इससे पैसा भी कमाना चाहेगी। मतलब प्राइवेट सेक्टर कस्टमर भरपूर लेकर आएगी, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। कंज्यूमर को लाने के लिए सस्ते में पहले से बेहतर सर्विस दी जाएगी, यानी ग्राहक को फायदा होगा, और सरकार को जो पैसा मिलेगा वो देश की बाकी परियोजनाओं में लगाया जाएगा, यानी पूरे देश को भी फायदा होगा। कम शब्दों में इस बात को कहें तो ये स्कीम लोगों के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए और सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, अगर ये स्कीम ठीक ढंग से एग्जीक्यूट हो गई तो। जहां तक बात अशोक होटल की है, जैसा कि मैंने पहले बताया, गिरवी रखा जाएगा इन चीजों को, यानी ऑपरेट मेंटेन मॉडल के तहत इस होटल को भी सरकार 60 साल के लिए पट्टे पर देने के लिए विचार कर रही है, जिसके लिए 7,000 करोड़ के करीब वो रकम का एक प्लान तैयार किया गया है। आखिर में आपको इस होटल से जुड़ा थोड़ा इतिहास भी बता देते हैं, तो चलिए थोड़ी नजर इस पे भी डालते हैं। इस होटल को 1960 के दशक में बनवाया गया था, तब यूनेस्को के एक सम्मेलन को देश में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, जिसके लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे बनवाने का काम करवाया था। उस समय में इस होटल को बनाने में 3 करोड़ रुपए का खर्च आया था। तब के टाइम में ये देश का पहला सरकारी 5-स्टार होटल था, और इसमें करीबन 550 कमरे थे, करीब 2,00,000 वर्ग फुट में रिटेल और ऑफिसेज के स्पेस थे, 30,000 वर्ग फुट में बैंक्वेट थे और कॉन्फ्रेंस करने की फैसिलिटीज दी गई थी। इसके अलावा 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए 8 रेस्टोरेंट्स थे। इस होटल में ये सारी चीजें एक साथ शामिल थी। अब देखना होगा किस प्राइवेट कंपनी के हाथ ये होटल जाता है, इसकी भागदौड़ जाती है, और फिर कैसी सुविधाएं आम लोगों को मिलती हैं, और इसका पैसा कहां-कहां सरकार इस्तेमाल करती है।